दूसरी बात जो फीस वृद्धि की बात है, जो आपका कल हमने वीडियो देखा टेस्ट के माध्यम से, आप लोगों ने कहा कि अभिभावक दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। सर, हम कैलाशचंद शर्मा जी के पास आए हैं और इसीलिए आए हैं कि हमारे जो स्कूल से हमें जो समस्याएं आ रही हैं सामने, उसी के बाबत हम बात करने आए थे अपने स्कूल के लिए। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, जैसे अभी सबको ही पता होगा कि गुलाम मोतियानी जी आम जनता पार्टी के सदस्य चुने गए हैं दिल्ली से। उन्होंने साफ कहा है कि मैं आम जनता की सेवा के लिए मौजूद हूँ। तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ, हम आम जनता नहीं है? आज रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, हम आम जनता हैं। आज हमें दिक्कत है, अगर हमें उनके स्कूल से दिक्कत है, मान लीजिए हमारा खाता ICICI बैंक में, तो हम PNB बैंक छोड़ना जाएंगे? हम तो ICICI बैंक के जाएंगे ना, हमारा खाता सर के पास है, हमारे बच्चे सर के पास है, तो हम अपनी कंप्लेंट किससे कहें? तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सर, हम भी आम जनता हैं। अगर आप हमको कह रहे हो कि मैं आम जनता की सेवा के लिए हूँ, तो हम भी तो जनता हैं, हमारे बच्चे आपके स्कूल में, तो आप देखिए एक बार कि हमको कितनी तकलीफ है एक बार। और क्या जो आप रूल्स चला रहे हो, जो आप फीस ले रहे हो, क्या वो अनिवार्य है, क्या वो सही है? ये आपकी मानवता पे सवाल उठता है। पहले आप देखिए क्या आप कर रहे हो वो सही है। प्लस आप जो एक्टिविटीज़ के पैसे ले रहे हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो किस चीज़ के चार्जेस आप लेते जा रहे हैं उनसे? डेट्स ऑल। कैलाश सर जी को हमने अपनी बातें रखी हैं, काफ़ी हद तक उनको भी सही लगी हैं। उनको काफ़ी बातें पता ही नहीं थी कि किस तरह से एक्टिविटीज़ के पैसे ले रहे हैं। आज हमने सारी बातें उनको अवगत कराई है। सर ने खुद बोला 5% फीस बढ़ेगी, जिसमें क्या निष्कर्ष निकलता है आगे? माननीय श्रीमान कैलाश चंद जी शर्मा, राजस्थान निजी विद्यालयों के महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिनके यहाँ हम प्रस्तुत हुए हैं। और कम से कम 100 पेरेंट्स आज हम लोग यहाँ आए हैं हमारी समस्या को लेके। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो स्कूल प्रशासन ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, जैसे किताबों को NCERT रूल्स ना मानते हुए अपनी खुद की प्रकाशित बहुत ही अत्यधिक रेट की किताबों को 8,000 से 10,000 रुपये की किताबों को उन्होंने लागू कर रखा है, जो अत्यधिक गलत है। और जो पिछले 5 सालों में फीस की वृद्धि उन्होंने 15% से 20% मिनिमम की है, जो सरकारी लॉ के हिसाब से गलत है। हम माननीय कैलाश जी से यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि CBSE बोर्ड के रूल्स के अनुसार फीस वृद्धि, किताबों की वृद्धि या कोई भी बच्चों की एक्टिविटी, स्कूल की समस्या, केवल CBSE बोर्ड के अनुसार ही चलाएँ। बस सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अभी स्कूल प्रशासन से कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे सामने वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। यदि वो फ़ोन उठाते हैं तो उनका जवाब अभी प्रस्तुत हो जाएगा। मेरा नाम कमल सोनी है। आज मस्कट के अभिभावकों ने मुझे आज ज्ञापन प्रस्तुत किया, इनकी कुछ आपसी फीस को लेकर, किताबों को लेकर आपसी विरोध दर्ज कराया इन्होंने। और उस विरोध में मैंने इनसे आज मस्कट वाले से बात की, प्रिंसिपल से, तो आपस में बैठकर निर्णय जो भी होगा दोनों को बिठाकर आपस कर लिया जाएगा। और मस्कट के स्कूल के पक्ष में अभी जिला शिक्षा अधिकारी का एक कमेटी बना दी गई है कलेक्टर साहब ने, तो उसका निरीक्षण चलता है, जो भी तथ्य है वो सामने आ जाएंगे और आपस में बैठ के विचार विमर्श करके दोनों का समाधान कर लिया जाए। तीन मांगे हैं। एक तो इन्होंने CBSE बुक्स के बारे में बोला कि भाई NCERT के आधार पर लागू किया जाए, फीस यथावत जो है निर्धारित वो हमें सामने लाए, और कई दो चार और बिंदु हैं इनके, तो ये जब साथ बैठेंगे आपस में तो ये विचार सामने आ जाएंगे और दोनों अभिभावक और स्कूल वालों को बैठा कर आपस में सामंजस्य करेंगे। और कमेटी जो निर्णय करेगी, कमेटी में सब तथ्य सामने आ जाएंगे और कमेटी से भी हम तथ्यों को मांगेंगे कि भाई क्या चीज़ है, उन दोनों का करके तालमेल करके अभिभावक और स्कूल के जो भी उचित निर्णय होगा, जो भी पक्ष आएगा वो हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा।